दोस्तों, तो सबसे पहले आता है बिलीव यू कैन एंड यू विल सक्सीड। सक्सेस हर किसी की लाइफ का गोल होता है, फिर चाहे सक्सेस एजुकेशन की हो या करियर की या फैमिली लाइफ में। इन जनरल हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है। ज़्यादातर लोगों को सक्सेस एक आउट ऑफ रीच और इम्पॉसिबल चीज़ लगती है, लेकिन रियलिटी में सक्सेस का फार्मूला काफ़ी सिंपल है। बस खुद पे बिलीव करना स्टार्ट कर दो कि आप कर सकते हो, और जब आप बिलीव करने लगोगे कि आप कुछ कर सकते हो, तब आप वाकई में करोगे। और एक बार जब आपने करने की ठान ली, तो किसी चीज़ को कैसे करना है आपको खुद समझ में आ जाएगा। एक आदमी टाई एंड डाई की कंपनी में काम कर रहा था। इस काम से वो ठीक ठाक पैसे कमा लेता था, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं था। वो अपनी वाइफ और दो बच्चों के साथ स्मॉल हाउस में रहता था। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि एक बड़ा घर घर ले सकें या अपनी बाकी ज़रूरतें पूरी कर सकें। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, वो आदमी अपनी लाइफ को लेकर दुखी होता गया, और अपनी फैमिली को खुशी ना देने की वजह से वो सबसे ज़्यादा हर्ट हो रहा था। कुछ सालों के बाद उसे एक दूसरी जगह जॉब मिल गई। यहाँ भी उसका काम सेम था, लेकिन यह जगह डिफरेंट थी। यह जगह उसके घर से बहुत दूर थी, लेकिन उसने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। जॉब इंटरव्यू के एक दिन पहले वो आदमी कुछ सक्सेसफुल लोगों से मिला जिन्हें वो जानता था। उसने खुद से पूछा कि उन लोगों के पास ऐसा क्या है जो उसके पास नहीं है। उस आदमी को पूरा बिलीव था कि वो लोग अपनी इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी या एजुकेशन की वजह से सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, बल्कि इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने इनिशिएटिव लिया था। उन सबको खुद पर भरोसा था कि वो कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो आदमी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जॉब इंटरव्यू के लिए गया, और उसने बड़ी हिम्मत के साथ 300% ज़्यादा सैलरी की डिमांड की। वो इतनी सैलरी इसलिए डिमांड कर रहा था क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था कि वो इतना डिजर्व करता है, और उसके इस कॉन्फिडेंस की वजह से उसे वो जॉब मिल गई। तो आप भी खुद पे बिलीव करो कि आप कर सकते हो। बिलीव करो कि दूसरे की तरह आपको भी सक्सेस मिल सकती है। हमेशा सेकेंड क्लास मत बने रहो, अपनी वर्थ पहचानो और बिलीव करो कि आप इसे ज़्यादा कर सकते हो और बन सकते हो। जब आप बड़ा सोचना शुरू करोगे, तो बड़ी सक्सेस ऑटोमेटिकली मिलने लगेगी। दोस्तों, नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है क्योर योर सेल्फ ऑफ एग्जीक्यूसिस्ट द फेल्योर डिजीज। अगर हम दूसरों को ऑब्जर्व और स्टडी करें, तो पता चलेगा कि अनसक्सेसफुल लोग एक्चुअल में एक दिमाग को बंद करने की बीमारी के शिकार हैं। इस डिजीज को एक्सक्यूजिस्ट कहते हैं। जो लोग इससे सफ़र करते हैं, उन्हें ये नज़र नहीं आती, लेकिन हम अक्सर अपनी लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स को कंसिडर नहीं करते और उन्हें अपनी फेल्योर का जिम्मेदार मानते हैं। जब लोग हमसे पूछते हैं कि क्या हुआ, हम प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहे, तो हम कुछ ऐसे बहाने गिनवा देते हैं। मेरे साथ हेल्थ इश्यूज हैं, या फिर मैं काफ़ी ओल्ड हूँ, या फिर मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, या मैं तो अनलकी हूँ। एक बार एक सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान एक ट्रेनी थी जिसका नाम था सेसिल। वो करीब 40 साल की थी और वो मैन्युफैक्चरर के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर एक बेटर जॉब ढूंढ रही थी, लेकिन सेसिल में कॉन्फिडेंस की कमी थी क्योंकि उसे लगता था कि वो काफ़ी ओल्ड है इस जॉब के लिए। वो इस बात को लेकर इतनी कन्विंस्ड थी कि जो बनना चाहती थी कभी नहीं बन पाई, क्योंकि उसे लगता था कि अब बहुत देर हो गई है। बाद में सेम ट्रेनिंग के दौरान होस्ट ने सेसिल से पूछा कि क्या उसे पता है कि आदमी की प्रोडक्टिव लाइफ कब स्टार्ट होती है और कब एंड। तो सेसिल ने प्रैक्टिकल आंसर देते हुए कहा कि आदमी 20 से लेकर 70 साल तक काम कर सकता है, और वो खुद ही अपने जवाब से हैरान थी। सेसिल को रियलाइज़ हुआ कि अभी तो वो अपनी प्रोडक्टिव एज के हाफवे भी नहीं पहुंच सकी है, और फिर भी वो आगे बढ़ने से घबरा रही है। सक्सेस की कोई बाउंड्री नहीं होती, हमें आगे बढ़कर अपने फेल्योर मेंटालिटी को दूर करना ही होगा, चाहे वो हमारे अंदर कहीं भी छुपा हो। दोस्तों, नेक्स्ट प्रिंसिपल है बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। कुछ लोगों के लिए फियर सिर्फ माइंड का गेम है, लेकिन सच तो ये है कि फियर रियल होता है, और इससे पहले कि ये हमें कंट्रोल करे, हमें इसे पहचानना होगा। एक नेवी रिक्रूट के एक ग्रुप का स्विमिंग एबिलिटी का टेस्ट लिया गया। उनमें से ज़्यादातर यंग बॉयज थे जो पानी की गहराई से डरते थे, यहाँ तक कि कुछ फीट गहरे पानी से भी। एक एक्सरसाइज में उन्हें 15 फीट से पानी में जंप मारने को बोला गया। पानी में जंप मारने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। नेवी ऑफिसर ने वॉलंटियर्स को आगे आने को बोला, लेकिन कोई नहीं आया। ऑफिसर को एक आइडिया आया, उसने एक रिक्रूट का नाम लिया और उसे अपने पास बुलाया। जब वो रिक्रूट उसके पास आया, तो ऑफिसर ने उसे धीरे से कुछ कहा और वाटर पूल में धक्का दे दिया। ये देखकर सारे रिक्रूट शॉक्ड रह गए। जिस रिक्रूट को धक्का दिया गया था, वो अभी तक पानी से ऊपर नहीं आया था। अब सारे समय खड़े थे, अब क्या होगा। तभी अचानक वो रिक्रूट पानी में स्ट्रगल करता नजर आया। वो पानी से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था। एक प्रोफेशनल स्विमर की हेल्प से उसे पूल से बाहर निकाला। जब ऑफिसर ने उससे पूछा कि क्या वो ट्रेनिंग कंटिन्यू करना चाहेगा,
तो रिक्रूट ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हाँ बोला और उसने ये भी बोला कि वो फिर से पानी में जंप करने को रेडी है ताकि वो अपना डर दूर कर सके और स्विमिंग सीख सके। तो देखा आपने, एक्शन ही फियर का इलाज है। फियर ही हमें बिलीव करने से रोकता है कि हम कुछ कर सकते हैं, या हमें पॉसिबिलिटीज़ की तरफ बढ़ने से मना करता है। पॉजिटिव थॉट्स के थ्रू आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करके फियर को अपने माइंड से रिमूव कर सकते हैं। चीज़ों का ब्राइट साइड देखने की कोशिश करो और अपनी प्रॉब्लम को करेज और ऑप्टिमिज्म के साथ फेस करो। जब हम होप करेंगे और एक्चुअल में कोई एक्शन लेंगे तो आपके अंदर का डर ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट प्रिंसिपल है हाउ टू थिंक बिग, यानी बड़ा कैसे सोचें। एक रिच आदमी अपनी एक्सपेंसिव कार चला रहा था। पास के एक रेस्टोरेंट में कार पार्क करने के बाद जब वो अपने अमीर फ्रेंड से मिलने जा रहा था तो उसने नोटिस किया कि एक लड़का उसकी ब्रांड न्यू कार को बड़े गौर से देख रहा था। जब रिच आदमी उस लड़के को देखकर मुस्कुराए तो लड़के ने उसे कहा कि उसकी कार कितनी कूल और एक्सपेंसिव है। इस पर रिच आदमी ओवर कॉन्फिडेंस से बोला, यह उतनी भी एक्सपेंसिव नहीं है, यह तो उसके ब्रदर ने उसे गिफ्ट किया है। उस आदमी की बात सुनकर लड़का कुछ नहीं बोला। रिच आदमी ने उसे पूछा कि क्या वो भी ऐसी एक्सपेंसिव कार लेने का ड्रीम देख रहा है। लेकिन उस लड़के का जवाब सुनकर वो आदमी हैरान रह गया, नहीं बल्कि ये सोच रहा हूँ कि मैं आपके ब्रदर की तरह अमीर कैसे बन सकता हूँ। दोस्तों, अगर हम चीज़ों को ऐसे देखें जैसा वो हो सकती है, ना कि जैसे वो अभी है, तो हम उनमें से एक ग्रेट वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इसलिए अपना विजन स्ट्रेच करो और जो दिख रहा है सिर्फ उसी पर मत अटको, बल्कि विजुलाइज करो कि फ्यूचर में क्या हो सकता है और अपनी सक्सेस की एक बिगर और बेटर पिक्चर इमेजिन करो। दोस्तों, नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है क्रिएटिवली कैसे सोचें। क्रिएटिव थिंकिंग सक्सेस की रिक्वायरमेंट है और क्रिएटिव वे में सोचने के लिए हम जो भी करें उसे करने के कुछ नए और इम्प्रूव्ड तरीके सोचने होंगे। क्रिएटिव थिंकिंग का मीनिंग है बेटर ढंग से सोचना। ये वो थिंकिंग है जो हमेशा हमें एक बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए इनकरेज करती है। एक आदमी के पास दो लाइफ इंश्योरेंस सेल्समैन आए। दोनों सेल्समैन उसे एक इंश्योरेंस प्रोग्राम के बारे में बता रहे थे। दोनों ने उस आदमी से प्रॉमिस किया कि वो उसे एक बढ़िया प्लान ऑफर करेंगे। फर्स्ट सेल्समैन ने उस आदमी को एक ओरल प्रेजेंटेशन दी। उस आदमी की जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से उसने प्लान अपने वर्ड्स के थ्रू बताए, लेकिन उस आदमी को कुछ समझ नहीं आया। सेल्समैन ने उसे टैक्स, ऑप्शन, सोशल सिक्योरिटी के बारे में एक्सप्लेन किया, बाकी टेक्निकल डिटेल्स भी दी। सारी बातें सुनने के बाद वो आदमी और भी कंफ्यूज हो गया, इसलिए उसने उस सेल्समैन को प्लान लेने से मना कर दिया। अब सेकंड सेल्समैन की बारी आई। उसने एक डिफरेंट अप्रोच यूज की। उसने सारे डिटेल्स बड़े इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव वे में एक डायग्राम के थ्रू शो की। उस आदमी को सेकंड सेल्समैन का प्रपोजल ईजिली समझ आ गया था, इसलिए उसने उसी टाइम इंश्योरेंस डील कर साइन कर दी। तो जब आपके अंदर वो एबिलिटी होगी कि आप क्रिएटिव वे में सोच सकें, तब आपकी सोच का दायरा भी फैलेगा और नए नए आइडिया भी आने लगेंगे जो आपको अपने गोल के बेहद करीब ले जाएंगे। अपने थॉट्स को फ्रीडम दें, इम्पॉसिबल वर्ड अपनी डिक्शनरी से निकाल दें, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करो और क्राउड से अलग अपनी पहचान बनाओ। टॉकिंग और लिसनिंग की प्रैक्टिस करो और ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करो जो खुद क्रिएटिव थिंकर हैं। दोस्तों, छठा प्रिंसिपल कहता है आप वही हो जो आप सोचते हो। हमारे सोचने का तरीका ही तय करता है कि हम कैसे एक्ट करते हैं और दूसरे लोग हमें कैसे ट्रीट करते हैं। जब हम खुद को जानने लगते हैं तो ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है कि लोग हमारे सामने कैसे एक्ट करेंगे। सेम यही बात तब होती है जब हमें पता होता है कि हम कितने इम्पॉर्टेंट हैं। तब हम खुद को इम्पॉर्टेंट शो कराते हैं और लोग भी इसे इम्पॉर्टेंट समझते हैं। एक रात एक बेटे ने अपने फादर को बताया कि वो अपने स्कूल प्ले में लोन रेंजर का करेक्टर करने जा रहा है। ये सुनकर फादर बड़ा एक्साइटेड और खुश हुआ। फिर लड़के ने कहा, बस एक प्रॉब्लम है कि उसके पास हैट नहीं है। फादर तुरंत अपने रूम में गया और एक पुरानी सी काउ हैट लेकर आया। उसने अपने बेटे से बोला कि ये हैट काम आ जाएगी, लेकिन बेटा नहीं माना। उसने जिद पकड़ ली कि उसे सिर्फ लॉन रेंजर वाली हैट ही चाहिए, कोई कॉबॉय हैट नहीं। और फादर समझ गया कि उसका बेटा एग्जैक्टली क्या चाहता है। तो आप जो खुद के बारे में सोचते हो वही आपकी इमेज बन जाती है। जो हम अपने बारे में सोचते हैं वो हमारे लिए एक मोटिवेशनल टूल बन जाता है जो हमें एग्जैक्टली वही पर्सन बनने में हेल्प करता है। इसलिए सोचो और बनो। जितना हम सोच भी नहीं सकते हमारे माइंड में वो पावर होती है। जब हम इसे यूज करेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि हम कौन हैं, तो सोचो जरा क्या होगा। दोस्तों, प्रिंसिपल नंबर 7 कहता है मैनेज योर एनवायरनमेंट, गो फर्स्ट क्लास। पैसे सेव करने के चक्कर में एक आदमी ने 4 महीने तक एक चीप रेस्टोरेंट में खाना खाया। उस जगह में जरा सी भी सफाई नहीं थी, खाना भी बकवास था
और सर्विस का तो बुरा हाल था, लेकिन पैसे बचाने के लिए वो आदमी बगैर कंप्लेन किए चुपचाप खा लेता था। एक दिन उसके फ्रेंड ने उसे टाउन के सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट में लंच के लिए बुलाया। वहाँ पर उसके फ्रेंड ने बिजनेसमैन का लंच ऑर्डर किया तो उस आदमी ने भी सेम ऑर्डर किया। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर वो आदमी हैरान रह गया। उसके सामने बढ़िया खाना परोसा गया था, सर्विस भी एकदम फर्स्ट क्लास थी, बढ़िया इन्वायरमेंट था, और सबसे बड़ी बात तो ये थी यहाँ का प्राइस उससे बस थोड़ा ही ज़्यादा था जितना वो उस चीप रेस्टोरेंट में पिछले 4 महीने से पे कर रहा था। उस आदमी को एक बड़ा लेसन मिल गया था, फर्स्ट क्लास बनने के लिए पहले आपको फर्स्ट क्लास की तरह बिहेव करना पड़ेगा। हमें लाइफ में खुद को एंजॉय करने से रोकना नहीं चाहिए। फर्स्ट क्लास का मतलब है बेस्ट, और यही हम बनना चाहते हैं। खुद के बारे में यही सोचो कि आप फर्स्ट क्लास डिजर्व करते हो। फर्स्ट क्लास सर्विस, फर्स्ट क्लास जॉब, फर्स्ट क्लास सैलरी और फर्स्ट क्लास लाइफ। स्मॉल थिंकिंग वाले लोग को अपने रास्ते की रुकावट मत बनने दो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो पॉजिटिव हैं और जो फर्स्ट क्लास वे ऑफ थिंकिंग रखते हैं। खुद पर बिलीव करो कि आप हर जगह और हर चीज़ में फर्स्ट क्लास बन सकते हो। दोस्तों, प्रिंसिपल नंबर 8 कहता है अपने एटीट्यूड को अपना दोस्त बना लो। एटीट्यूड ही सब कुछ है। राइट एटीट्यूड ही हमें सक्सेस की तरफ लेकर जाता है। एक ऑप्टिमिस्टिक और मोटिवेटेड पर्सन में जो बात है वो किसी सेल्फ सेंटर्ड, निगेटिव और अनग्रेटफुल इंसान में कहाँ होता है। तो एटीट्यूड एक तरह से हमारे फ्रेंड की तरह है, जिसे अगर हम एक राइट वे में डेवलप करते हैं तो ये हमें सक्सेस की ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। वर्ल्ड ओलंपिक्स के दौरान एक नए तलवारबाज लड़के का मुकाबला एक ऑल टाइम विनर के साथ हुआ, जिसमें उसने ऑल टाइम विनर को हराकर वर्ल्ड फेमस चैंपियन जीत ली। दोनों के बीच काफ़ी डिफरेंस था क्योंकि ऑल टाइम विनर कई सालों की प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के बाद इस मुकाम तक पहुंचा था, लेकिन नए लड़के ने अपना वेस्ट परफॉर्मेंस दिया और चैंपियन के साथ बड़ी क्लोज फाइट की। हर राउंड के बाद गेम हार्ड होता गया और जब दोनों लास्ट राउंड में पहुंचे तो दोनों के बीच टाई हो गया था। दोनों प्लेयर्स को एक शॉर्ट टाइम दिया गया। वो नया तलवारबाज जीतने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था। वो खुद से सिर्फ एक ही चीज़ बोलता रहा, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। और फाइनल राउंड में उस लड़के के पॉजिटिव एटीट्यूड और स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन ने उसके सामने जीत का रास्ता खोल दिया और इस तरह वो ऑल टाइम विनर को हरा कर खुद चैंपियन बन गया। तब से वो ओलंपिक्स का आई कैन डू दिस मैन के नाम से फेमस हो गया और उसने ऑल ओवर वर्ल्ड के दूसरे एथलीट को भी इंस्पायर किया। जब हमारा एटीट्यूड पॉजिटिविटी और गुडविल पर फोकस्ड रहता है तो हम कभी गलत नहीं सोच सकते, हमें हर हाल में सक्सेस मिलेगी। हमारा एटीट्यूड ही हमें मैक्सिमम इफेक्टिवनेस की तरफ ले जाता है और हमारे करियर और लाइफ में गुड रिजल्ट्स जनरेट करता है। दोस्तों, 9th प्रिंसिपल कहता है थिंक राइट टूवर्ड्स पीपल। जिन लोगों के अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बेस्ट रिलेशनशिप होते हैं वही लोग सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं, या यूं भी बोल सकते हैं कि हैप्पीएस्ट लोगों के ही बेस्ट रिलेशनशिप होते हैं। अपने आसपास के लोगों के साथ कनेक्शन हमारी सक्सेस में इतना इम्पोर्टेंट है कि हम दूसरों को कैसे ट्रीट करते हैं ये चीज़ हमें डीपली सोचनी चाहिए। दूसरों के साथ कनेक्ट करने और रिलेट होने की हमारी एबिलिटी काफ़ी मैटर करती है। हमें गुड रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों के साथ एक काइंड और फ्रेंडली वे में बिहेव करें। और हमें ये भी समझना होगा कि हम दूसरों के डिफरेंसेस और इनपरफेक्शन को एक्सेप्ट करना सीखें। हमें दूसरों को ब्लेम किए बगैर उनके साथ हमेशा एक रिस्पेक्टेड बिहेव करना होगा, चाहे हम खुद कितना भी सेटबैक एक्सपीरियंस करें। दोस्तों, प्रिंसिपल नंबर 10 कहता है गेट द एक्शन हैबिट। जैसा हमने पहले भी मेंशन किया है कि डर का इलाज एक्शन है, एक्शन से सिर्फ डर ही खत्म नहीं होगा बल्कि ये एक मेन फैक्टर भी है जो एक एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय में देखता है। सिर्फ सोचने भर से कुछ नहीं होता, ये एक्शन ही है जो रियल और विजिबल रिजल्ट जनरेट करता है। औरतों को जो काम मोस्ट अनप्लेजेंट लगते थे वही मदर एम को भी लगते थे, जैसे बर्तन धोना, लेकिन उसने एक पॉजिटिव अप्रोच डेवलप की थी कि कैसे अपना टास्क जल्दी फिनिश करना है ताकि वो अपने मनपसंद कामों के लिए टाइम निकाल सके। एक दिन जब मदर एम के सामने एक टेबल भरकर गंदे बर्तन का ढेर लगा था तो वो एकदम से उठी और कुछ बर्तन लेकर जाने लगी। उसकी फैमिली के कुछ मेंबर्स ने उसे कहा कि पहले थोड़ा रेस्ट कर लो फिर बर्तन साफ कर लेना, लेकिन मदर एम फोकस्ड और डिटरमाइन थे। अपने आगे इतना बड़ा बर्तनों का ढेर देखकर उसे एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा और अपने काम में जुट गई और कुछ ही देर में वो सारे बर्तन धोकर फ्री हो गई थी। अपने टास्क को फिनिश करने का सबसे इफेक्टिव तरीका यही है कि सिंपली उस टास्क
पर जुट जाओ और फिर चाहे वो हमें पसंद हो या ना पसंद, जो भी टास्क है उस पर तुरंत एक्शन लो। अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने ही मत दो,